मैडम हर बार सवाल ये उठ रहा है घर बनाम बाहरी, एक बात बताइए, घर वाला से अगर हम ज़्यादा बेहतर कर दे बाहरी वाला तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैडम सवाल और है कि पलामू क्षेत्र से आपको उम्मीदवार घोषित किया गया है, इससे पहले आपने पलामू के लिए क्या किया? जी पलामू क्षेत्र से हम हमेशा से हाँ। पढ़ी लिखी कितना है आप? जी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, अपने संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे आप? महिलाओं के लिए ही फर्स्ट प्राथमिकता होगी। जैसे में उनकी क्या समस्या झेलना पड़ रहा है आपके संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को? बहुत तरह की समस्याएं हैं, उनसे बात करके, उनसे मिल करके, उनकी समस्याओं को जान करके, उनके साथ निदान करने का कोशिश किया जा रहा है। क्षेत्र की उम्मीदवार मौजूद हैं, मैडम नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम ममता भुइयां हुआ। अच्छा, क्या माहौल है आपका वहाँ? तो काफ़ी अच्छा माहौल है। अच्छा जी, टक्कर में कौन है आपके साथ? टक्कर में अब हम किसको बोल सकते हैं, जो वहाँ के टक्कर तो समझिए तो वहाँ पे डिमांड है स्थानीय का। अच्छा, हमेशा से झारखंड में और पलामू लोकसभा में बाहरी को तरजीह दिया गया है बीजेपी के तरफ से, और पिछले 10 साल से भी बाहरी सांसद वहाँ पे हावी हैं, और झारखंड में एसी रिजर्व सीट मात्र एक है पलामू लोकसभा, और उस पर भी झारखंड के अस्थाई लोगों का हक होते हुए भी उससे वंचित रखा गया है, और बाहर के लोगों को टिकट दे करके वहाँ से जिताने का काम किया जाता है। मैडम हर बार सवाल ये उठ रहा है घर बनाम बाहरी, एक बात बताइए, घर वाला से अगर हम ज़्यादा बेहतर कर दे बाहरी वाला तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सवाल आप पलामू के जनता से जा करके पूछिए। नहीं, इसका जवाब आप भी तो दे सकते हैं। दे सकते हैं क्योंकि हम भी वहीं के हैं, लेकिन हम अगर देंगे तो शायद आप भरोसा न करें। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हो सकता है बाहरी से ज़्यादा घरे वाला कर दे। वो तो है, तो इसीलिए तो बोले कि अगर घर में घर का आदमी भूखे सोए और बाहर का आदमी आए और बटोर करके वापस चले जाए, उनसे मिलने के लिए जब न मिले तो क्या किया जाए? मैडम सवाल और है कि पलामू क्षेत्र से आपको उम्मीदवार घोषित किया गया है, इससे पहले आपने पलामू के लिए क्या किया? जी पलामू क्षेत्र से हम हमेशा से समाज सेवा में लगे हुए हैं, अपने समाज की तरफ से, अखिल भारतीय भुइयां समाज की तरफ से हम महिलाओं के साथ मिलजुल करके उनके समस्याओं पे काम करते रहे हैं एनजीओ के थ्रू। अच्छा जी, पढ़ी लिखी कितना है आप? जी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, अपने संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे आप? महिलाओं के लिए ही फर्स्ट प्राथमिकता होगी। जैसे में उनकी क्या समस्या झेलना पड़ रहा है आपके संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को? बहुत तरह की समस्याएं हैं, उनसे बात करके, उनसे मिल करके, उनकी समस्याओं को जान करके, उनके साथ निदान करने का कोशिश किया जा रहा है। जीतने के बाद पहला प्राथमिकता क्या रहेगा आपका? पहला प्राथमिकता तो वहाँ पे अगर देखा जाए पलामू की धरती पे तो गर्मी के डेट में सूखा काफ़ी पड़ता है, तो फर्स्ट प्राथमिकता तो होगा पानी। अभी चुनावी एजेंडा क्या है आपका? वो तो पार्टी तय करेंगे। चलिए।